सिखां दी आस्था दा केंद्र सचखंड श्री दरबार साहिब जिथे कि रोजाना ही लखां दी गिणती विच संगत नतमस्तक होण पहुंचदी है। उत्थे ही देश दी आजादी दे उलाटिए नेता सुभाष चंद्र बोस दी पड़पोतरी राजेश्वरी भी सचखंड श्री दरबार साहिब नतमस्तक होण पहुंची अते उन्हां सचखंड श्री दरबार साहिब नतमस्तक होके पवित्र गुरबाणी दा कीर्तन दी सरवण कीता। इस दौरान SGPC दे अधिकारियां वल्लों उन्हां नूं सिर पाओ साहिब पा के अते श्री दरबार साहिब दा मॉडल दे के सन्मानित कीता गया। इस दौरान पत्रकारां नाल गलबात करदे राजेश्वरी चौधरी ने कहा कि नेता जी सुभाष चंद्र बोस जी जदों भी देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो उन्होंने सचखंड श्री दरबार साहब के होर अनेक गुरुधामों के नतमस्तक होकर वाहगुरु को मन में याद रख के ही लड़ाई लड़ी है। इस नाल उन्होंने कहा कि असी अगर अपने देश लिए कुछ करना चाहते हैं तो सानू सचखंड श्री दरबार साहब नतमस्तक होना जरूरी है। सानू अपने भारत की तरक्की लिए अगे बढ़ना चाहिए। इस बोलते उन्होंने कहा कि जिथे नेता जी सुभाष चंद्र बोस जी ने देश की आज़ादी लिए लड़ाई लड़ी उत्थे अंग्रेजों को भारत देश चो बचाने लिए सिख कौम ने ते खालसे ने भी अपना रोल अदा किया। इस ही उन्होंने कहा कि सचखंड श्री दरबार साहब आके सानू बहुत मन की शांति मिली। अमृतसर तो गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट लाइव भारत। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का प्रपोती आज स्वर्ण मंदिर में आके बहुत अच्छा लगा। हमारा स्वर्ण भारत का ये प्रतीक है और हम यही चाहेंगे सारा दुनिया में जो जो लोग आज़ादी का लड़ाई लड़ रहे हैं और जो लोग अपना देश को स्वर्ण युग का शुरुआत करवाना चाहते हैं इधर आके आशीर्वाद ले, क्योंकि नेताजी भी सिख कौम से और स्वर्ण मंदिर और जितना गुरुद्वारा थे वो सभी से आशीर्वाद लेके ही सुभाष चंद्र बोस जी अपना जो पॉलिटिकल लाइफ जो आज़ाद हिंद सरकार का गठन किए थे और ब्रिटिश को इधर से भागना पड़ा उनके कारण, इसका पीछे भी सिख कौम का और ख़ास करके खालसा का बहुत अनुदान है। और इसीलिए हमको यही सभी से प्रार्थना है कि अभी से आप सब लोग आके इधर का आशीर्वाद लीजिए और स्वर्ण युग अपना निजी देशों का शुरुआत कीजिए। और भारत तो स्वर्ण युग का प्रतीक है और उसका प्रतीक का हिसाब से ये स्वर्ण मंदिर आके हमको बहुत गर्व महसूस हो रहा है और लग रहा है कि हाँ आज़ादी का एक आयाम जो है इधर एकदम 100% फुलफिल्ड है। और हमारा क्रांतिकारी परिवारों का जितना कुर्बानियां हैं इधर आके सार्थक हो जाएगी, क्योंकि अभी भी एक स्वर्ण मंदिर अटूट है और इतना लोग आना जाना करते हैं, इतना लोगों को आशीर्वाद मिलता है, ये अजूबा है। और सारा दुनिया में हमको लगता नहीं है जो स्वर्ण मंदिर जैसे एक पीठ स्थान एक अच्छा प्रार्थना का जगह और कहीं पे दुनिया में कहीं पे है, तो ये सुरक्षित रहे ये सभी का फर्ज बनता है। और इधर का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है आज़ादी के लिए और अपना देश का स्वर्ण युग को शुरुआत करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।